नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनी। आप देख रहे हैं इंडिया टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों, आज हम ऑटोमेटिक लाइट ऑफ ऑन सर्किट बनाने वाले हैं, जिससे हमारा दिन होते ही लाइट ऑफ हो जाएगी और रात होते ही लाइट ऑन हो जाएगी। दोस्तों, हम सर्किट बनाने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए ये ट्रांजिस्टर, जिसका नंबर है BC547। BC547 एक ट्रांजिस्टर चाहिए, और एक ये 220 किलो ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, और एक ये LDR सेंसर चाहिए। हमको ये तीन चीज़ें चाहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नया है हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी की वीडियो लाते रहें हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर में तीन पिन हैं, इलेक्ट्रिक, बेस और एलिवेटर। हमारी थ्री पिन्स हैं इसमें। इसमें हम अपना जो LDR है ना, इसका इन दो पिन के साथ कनेक्शन करेंगे। हम इसको इन दोनों के साथ सोल्डर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, हमने हमारे ट्रांजिस्टर में और हमारा ये LDR सेंसर कनेक्ट कर लिया है। अब हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो रेजिस्टेंस है उसे हम बीच वाली बेस से कनेक्ट करेंगे। इस वाली से हम इसको कनेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इसे कनेक्ट कर लेते हैं। हमारा ट्रांजिस्टर कनेक्ट हो चुका है। सर्किट कुछ इस टाइप का है। तो चलिए दोस्तों अब इसमें बैटरी कनेक्ट और हमारी LED कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने एक वायर का टुकड़ा लिया है, जिसमें एक रेड और एक ब्लैक है। तो हम अपना जो ब्लैक वाला है ना, उससे हम इस पर कनेक्ट करेंगे। बैटरी का माइनस पॉइंट रहेगा हमारा ये, इसको हम इस पे कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए कनेक्ट कर देते हैं। तो इसे हम रेजिस्टेंस पे कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी का जो दूसरा पॉइंट है रेड वाला, उसे हम रेजिस्टेंस पे कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। हमारे बैटरी का कनेक्शन हो चुका है। इसमें हमारी बैटरी लगेगी। इसी माइनस पॉइंट है बैटरी का और ये प्लस पॉइंट है बैटरी का। चलिए अब LED को कनेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हो, हमने इस ट्रांजिस्टर में
एलईडी का कनेक्शन कर लिया है। एलईडी का जो ब्लैक ब्लैक जो वायर है वो हमने ट्रांजिस्टर में कनेक्ट किया हुआ है, और जो रेड वायर है वो रेजिस्टेंस में कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ से ये हमारा बैटरी का वायर रहेगा। इसका जो ब्लैक वायर है ये थर्ड नंबर पिन में कनेक्ट रहेगा, और जो हमारा रेड वाला वायर है वो रेजिस्टेंस में कनेक्ट रहेगा। हमारा एलडीआर सेंसर अलग रहेगा, ये इस साइड रहेगा, ये यूँ एलडीआर सेंसर यूँ रहेगा, यूँ ये। तो चलिए दोस्तों टेस्टिंग की बारी है, टेस्ट करके देखते हैं। दोस्तों इसको टेस्ट करने के लिए ले रहे हैं हम ये 850 mAh की 11.1 वोल्ट की बैटरी ले रहे हैं, इससे हम इसको टेस्ट करेंगे। तो चलिए टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने सेटअप कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, हमने सेटअप कंप्लीट कर लिया है। ये बैटरी में दो वायर लगाए हुए हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, और ये दो लाइट के कनेक्शन है। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमने जो पहले रेजिस्टेंस लगाया था वो हमारा रेजिस्टेंस ख़राब था, तो हमने उसको निकाल के ये 56K का रेजिस्टेंस लगाया है, ये वाला तो वो ख़राब था, मैंने इसलिए चेंज किया है। कनेक्शन पूरा वैसा ही रहेगा जैसे पहले था, बिल्कुल सेम टू सेम कनेक्शन। तो देख सकते हो गाइस, अब हम ये इसे स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा ट्राइपॉड की लाइन लाइट थोड़ी ऑन है इसीलिए ये ऑफ है। अब हम ट्राइपॉड की लाइट को ऑफ करके देखते हैं क्या रात में हमारा सेंसर काम करता है। ओ वाह, देख सकते हो गाइस हमारी लाइट ऑफ हो गई और ये हमारा चालू हो गया। अब करते हैं ऑन और ये देखो बंद हो गया। तो देख सकते हो गाइस अब हम ट्राइपॉड की लाइट को करेंगे ऑफ, ये हमारी लाइट जल चुकी है रात के अंधेरे में, और ट्राइपॉड की लाइट करेंगे ऑन तो हमारी लाइट, अब देख सकते हो हम लाइट को ऑफ करेंगे हमारी लाइट ऑन हो जाएगी, और जैसे ही लाइट को ऑन करेंगे ये देख सकते हो आप हमारा सेंसर काम कर रहा है। रात होते ही हमारा ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाएगी, ये देख सकते हो, और जैसे ही हमारा दिन निकलेगा वैसे ही लाइट ऑफ हो जाएगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और इससे कोई भी जुड़ा सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम उसका आंसर जरूर देंगे। दोस्तों अगर आपको एसी सप्लाई वाली ऐसी ही एक सर्किट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको एसी से चलने वाला बल्ब, जैसे हमारे बड़े बल्ब होते हैं वो डायरेक्ट 220 वोल्ट से चला करेंगे, उससे हमारा ये वाला कनेक्शन हो जाएगा। मैंने आपको ये छोटा सा एक डेमो करके दिखाया है। चलिए फिर से टेस्ट करते हैं, लाइट ऑफ, लाइट चालू हो गई, जैसे ही दिन निकलेगा हमारी लाइट बंद हो जाएगी। दोस्तों कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कनेक्शन, आप पॉज कर करके देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल कनेक्शन है। दोस्तों एक बात और, ये है MQ5 गैस सेंसर, इसका वीडियो भी बहुत जल्दी हमारे चैनल पे अपलोड होने वाला है, तो बनी रहिए हमारे चैनल के साथ। दोस्तों ये अगर आपके घर में गैस लीकेज होता है तो उसको आपको अलार्म करके आपको अलर्ट कर देगा, और या फिर आपको मोबाइल पर फ़ोन करके आपको ये अलर्ट कर देगा कि आपके घर में गैस लीकेज है, तो आप उसे गैस को फटने से, गैस सिलेंडर को फटने से आप बचा सकते हैं, कुछ दुर्घटना होने से आप उसको बचा सकते हैं। ये सेंसर बहुत ही अच्छा है गाइस, और इसका वीडियो भी मैं आपको जल्द ही हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। और एक ये हमारे पास है टच सेंसर, जिससे कि हमारी ऑटोमेटिक तो नहीं, हमारी लाइट टच करने से ऑफ हो जाएगी और टच करने से ही ऑन हो जाएगी। बहुत ही छोटा सेंसर है और बहुत अच्छा है गाइस, इसके ऊपर भी हमारे चैनल पे आपको वीडियो जल्दी ही मिल जाएगी। तो गाइस बने रहिए हमारे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अगली बार हम इसका ही वीडियो लाने वाले हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।